गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यह है सिंधी कैंप, ओवरब्रिज के नीचे का दृश्य है। मेट्रो जा रही है, चरणों में हम प्रारंभ करते हुए जितने भी लोग यहाँ विराजमान है, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आप लोग जो जो मनोरथ लेकर के आए हो, जाओ, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपकी अलाय बलाय भग जावे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहा पूतो फलो, भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। यह भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की यह तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो, पीड़ा हो, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे और जाओ। हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं। तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे, जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो, गए खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाऊ कम पड़ जाता आगे को लोग।
पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने बड़ो हॉल बनवा दो, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने जो बारो बनवाओ, इसमें 1,500-2,000 लोग बैठ जाते, जो कम पड़ गया सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे बोलो लाखों रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने। अबे है खंडा रवे को काम है, नहीं आ रहा यार, भीतर चिड़ंगिया बोल रही। वहां पे तो महात्मा भर बैठा थे, कछु आओ बीमार बैठ जा, बाकी बस दलो है। लेकिन चिंता मत कर, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरु जी चार्ज कर दो फिर बैठा, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रात और दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे, किसके लिए, तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलो, तुम तैयार हो जाओ, और हम सब हिंदू, इसलिए हमने, हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है, हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे, और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी, और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या, अब तुम इतने बदमाश हो क्या बताएं। अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना, हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या, बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, तो अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो कहे घर के कक्काए हनुमान जी है। तुम सोचो कि हम जाए और जातन तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत पर चाओ, तुरंत चमत्कार ठटरी के बारे न कटा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे, तो जाओ सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ जब जब विपत्ति और संकट आएगा तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी, और तुम्हें अनुभव भी होगा, जाओ तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग, हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना,
दरबार निशुल्क था है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की, और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो, जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर्चा नहीं पहुंचा देगी भैया, ले लेंगे जाकर। अच्छा जो बताओ, सुबह से दर्शन हो गए तुम लोग ना, अच्छे से हो गए, भंडारों पालो नहीं पाओ बेटा प्राण खा लो तो हम आए। हाँ हमने भी नहीं पाओ तो उठ के जल्दी जल्दी चले आए, जब तो चाय अब पूरा करे। हमने उधर लगवाए थे टीन सेट के कमरा, आज मैंने भी इनको डब्बा बनाया था। तुम्हारी जय हो बेटा, हरो हमारी आत्मा कल्ला रही बेटा, रुपया लगो फ्री के नहीं आए बेटा, एक एक रुपया जोर के हमें लगवा होता रे आ बेटा, टूट जाए नेते हूँ सही संक्रांत बरात सी नेते आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, तना वजन कम कर दो, होता रे आ बेटा, हरो होता रे बुढ़ापे में देखो तो लाल टी शर्ट वालो बूढ़ो, मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं, देखो ऐसा दांत निकाल रहा है, कक्का होता रे आप बुढ़ापे में उधम ना मचा। बता तो लो, देखो तो मुस्कुरा रहा हूँ महादेव, उतरेगा नहीं बच्चों, उस स्वच्छता अभियान शौचालय या भाई सीट निकल गया, नीचे आप नीचे आओ, उस पर मत बैठ, जो ना माने बड़ों की सीख ले खबर क्या मांगे भी, उधर जाओ बड़न की बात मानने आओ बेटा। सीताराम, तो हम बता रहे थे लाइट चली गई थी, हम बता रहे थे कि जो भी जानकारी लेना कहाँ से लेना, कार्यालय से, हमारे नाम पे कोई दान मत देना, बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क है, भारत का पहला दरबार है जहाँ पर दरबार भी निःशुल्क, अर्जी भी निःशुल्क और दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क, भारत का पहला ऐसा दरबार है जहाँ की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ होने, तैयारी अभी से शुरू हो गई और इस बार हम पता है 151 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप गरीब परिवार हैं और पहली बार पिछली बार में तो सामान दो तो टीवी फ्रिज कूलर डबल बेड, इस बार हमारे मन में इच्छा है हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी जाए। तो आप लोगों का न्योता है, उसमें हम 3 दिन का दरबार भी लगाएंगे, फरवरी में दरबार बंद रहेगा क्योंकि हम तैयारी में रहेंगे, लेकिन यज्ञ में दरबार लगाएंगे, ठीक है? तो 1 मार्च से याद कर लो, कितनी तारीख से, कौन कौन आएगा पक्का, क्योंकि तुम्हारा धाम है तुम्हें आना तो पड़ेगा ही है ना, तो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, आइयो। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, धाम से जुड़ने वाले 3 प्रकार के लोग सावधान रहे, 1 आप कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन पैसे की दम पे VIP के चक्कर में रौब दिखा के जलवा दिखा के अगर तुम पर्चा बनवा दे कहीं आ रहे या मिल बेटा अपनी ठटरी बढ़ाओ, हजारों गुरु हैं उन लोग जाओ। दूसरा पद,
तुम किस पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र इंद्र के कक्का बन जाओ। लेकिन आप सोचो कि हम बड़े पद पर हैं, हम डायरेक्ट मिलने भी इंतजार न करने पड़े, मेहनत न करने पड़े, तब तुम अपनी दोवे ठटनी बढ़ाओ। क्यों, हमें बालाजी ने उनके लिए कृपा नहीं दी जो एसी में बैठे हो, कार से चल करके आते हैं और फुरकते हुए चाय पान उलगते हुए आते हैं। उनके लिए हमें बालाजी ने सुना है, जिनका कोई नहीं है पैदल चल करके आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, उनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है। तीसरा सपोर्ट, अमीरों को तो लाखों गुरु है, हजारों गुरु है, जो अमीर है उनके तो घर पे गुरु आ जाते हैं, उनका कौन है जो बेचारे जिनका कोई नहीं, किराया उधार उठा के आते, पैदल चल के आते, उनके तो बागेश्वर बाला ही जी है ना। तीसरा सपोर्ट में किसी का लगाओगे, ये तीन चीजें धाम पर जुड़ने के पहले नोट कर लो। और हम तुम्हें इतना वचन देते, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। जय सिया राम, जोर से बोलो। अब लो दरबार शुरू। नियम हमने बताई है, किसी को कोई संदेह नियम में है? नियम समझ आ गए? राम राम जपो सब जने। दूसरी बात, एक और रह गई, जिनका पर्चा बने उन्हें पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, बात को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात हम बोले उसे समझना, गलत बोले तुरंत टोक देना, और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देख कर भरोसा करें आपने क्या पूछा है। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या धाम पर किसी को भी ना बताएं, बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवा, का हमारे हाथ में रहा, आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बैठ जाओ भाई का, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही हनुमान जी की ताकत है, किसकी, हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते हैं तो वाईफाई हो तो जो है ई मैं सिग्नल आऊ, और जगह रहे तो दूर, इतने तो सैटेलाइट इतना ही लगी, सामने ही मंदिर है। तो फिर तुम बाद में कहो कि गुरु जी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा देखो हम भाई छोड़ भी नहीं, इतना कह सकते हैं। हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा ठटरी बरवा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हुई दरबार सीताराम, और खाली प्राण जो हटा दे, यहाँ किसी को नहीं। हाँ, आरती हो गई, वो कर दी अखंड ज्योति का कर दी, अब निकल दिया आरती आ गई। ये आप लोग भी वहां बैठ जाओ,
पहली अर्जी राम राम साधु जी हाँ देवेंद्र नाम के बालक की अर्जी दरबार प्रांगण के सामने से स्वीकार हुई है। गुरुजी का कहना है सामने में एक देवेंद्र नाम का बालक विराजमान है, लास्ट की तरफ में आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। हाँ खड़े हो जाओ, आओ जल्दी से, साथ में कोई आ जाओ, जल्दी आओ। राम दूसरी अर्जी, साधु जी ओ साधु जी, उनको आने देना जो टी शर्ट वाले हैं भैया, बीच से ही रास्ता लो या कहीं से भी आप क्या बताइए, तो बहुत भर जा। जय सामने में जो दादा गुरु जी का चित्र लिए विराजमान बिटिया, एकदम सामने में दादा गुरु जी का पेंटिंग वाला चित्र, आजा बेटा साथ में जो भी हो लेके आजा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। आओ 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 यही आ जाओ, तीसरी अर्जी गुरु जी स्वीकार करो। राम राम राम, राम। साधु जी आ रहे, चलो तीसरी अर्जी गुरु जी और आगे बताओ। हनुमान चालीसा का पाठ लिए हुए बिटिया विराजमान है, बेटा आ जाओ दोनों हाथ में। हाँ हाँ आ जाओ, आपने संकल्प लिया था कि जब तक अर्जी नहीं लगेगी हनुमान चालीसा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं से निकल चुका हूँ पैसे कमाने के लिए और आ गया सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन से वापस। ये सिंधी कैंप ये पुलिया है और इस पे हम ओवर ब्रिज पे खड़े हैं और जो है ये आपको मेट्रो दिखाई दे रहा वीडियो में, और ये मेट्रो है।